Finally piece yourself back together now. What's your vision? Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? मैंने Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? तो मैंने एक वीडियो बनाया था PUBG लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप के बारे में, तो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा और काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी लगा, क्योंकि यहाँ पे हम तीन कॉम्बिनेशंस को दिखाए थे और काफ़ी सारे कनेक्टर्स को मैंने मिक्स कर दिया, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो रहता ही है। तो यस गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सेम सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन एक नए अंदाज के साथ। सिर्फ सेटअप ही नहीं, उस सेटअप को लेके स्ट्रीम करने के बाद जो भी वीडियो क्वालिटी आता है वो भी आपको दिखाऊंगा, मेरे YouTube चैनल के स्टूडियो से डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले उसका जो वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी कैसे रहता है। और कुछ कॉमन इश्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्टैटिक और हिसिंग साउंड के बारे में, और मल्टीपोर्ट का इश्यू है, और काफ़ी अलग चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको सबके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो यस गाइस, डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यस, चलो शुरू करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे कुछ बेसिक कनेक्शंस है PUBG लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप करने के लिए। तो तीन चीज़ें ज़रूरत है स्ट्रीम करने के लिए। पहला, यहाँ पे पी बॉक्स की तरफ से टाइप सी का मल्टीपोर्ट, और HDMI केबल, और यहाँ पे HDMI कैप्चर कार्ड। तो सिर्फ ये तीन चीज़ों से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो HDMI कैप्चर कार्ड है उसमें से ऑडियो आता है, वहाँ पे आपको स्टीरियो आउटपुट नहीं मिलता, लेफ्ट एंड राइट चैनल्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे USB 3.0 का मदद से USB ऑडियो कार्ड। तो यहाँ पे USB ऑडियो कार्ड की बात करें तो दो है, एक यह है कि ट्रिपल पोर्ट का, और दूसरा यहाँ पे डबल पोर्ट का। तो गाइस, यहाँ पे हम इस्तेमाल किया है पीबॉक्स मल्टीपोर्ट, HDMI केबल, HDMI कैप्चर कार्ड, और USB का ट्रिपल पोर्ट का ऑडियो कार्ड। तो जो भी यहाँ पे हेडफोन पोर्ट है वहाँ पे हम लगाएंगे ईयरफोन्स, जिसमें आपको माइक भी रहेगा और ऑडियो भी सुन सकते हैं आसानी से। तो दूसरा जो ऑडियो पोर्ट है वहाँ पे हम ऑक्स केबल लगाएंगे, तो डायरेक्टली हम PC को नहीं तो लैपटॉप को ऑडियो भेज सकते हैं। दूसरा जो एंड है उसको हम लगाना है PC के पीछे लाइनिंग पोर्ट में। तो लैपटॉप्स के लिए आपको एक डेडिकेटेड लाइनिंग पोर्ट नहीं रहता, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बताया कि लैपटॉप में ऑडियो कार्ड का इस्तेमाल करके ऑडियो भेज सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्टीरियो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो तभी जाके आपको एक सेकंड मेथड भी है लैपटॉप्स के लिए, आगे चल के आपको बताऊंगा। तो फिलहाल PC के पीछे आपको लाइनिंग पोर्ट रहेगा, उसमें ऑक्स केबल का दूसरा एंड इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने से जो भी डिफ़ॉल्ट ड्राइवर होता है PC में, रियलटेक का ड्राइवर, उसका पॉपअप आपको आ जाएगा। लाइनिंग पोर्ट को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करो, उसके नीचे आपको वॉल्यूम लेवलिंग दिखेगा, उसको मैक्स करना है, तभी जाके जो भी ऑडियो आता है लाइनिंग पोर्ट से वो मैक्स वॉल्यूम पे आपको आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे हमको ऐड करना है कैप्चर कार्ड, तो वीडियो कैप्चर डिवाइस, ओके, USB वीडियो सेलेक्ट करना है। अगर आपका डिवाइस कंपैटिबल है तो डेफिनेटली आपको डिस्प्ले आएगा। तो नीचे जो सेटिंग्स है, ये जो सेटिंग्स, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो किया था ऑलरेडी, तो जाके देख लो, मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं ये टॉपिक के रिलेटेड। और नीचे जो ऑप्शन रहेगा आपको ऑडियो का, तो यूज़ कस्टम ऑडियो डिवाइस पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लाइन इन रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में डिफ़ॉल्ट ड्राइवर होता है रियलटेक का, तो वहाँ पे आप लाइन इन को सेलेक्ट करो, क्योंकि जो भी हम इनपुट दिया था लाइन इन पे ऑक्स केबल से, आपका जो भी गेम का ऑडियो है उसके थ्रू आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑडियो सोर्स ऐड करने के लिए लाइन इन को सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो एक ही सोर्स में ऑडियो वीडियो आपको आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ, और ये जो स्टैटिक और हिसिंग साउंड है इसको हम रिमूव करना है। सिंपली यहाँ पे जाके हम एक फिल्टर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करना है नॉइस सप्रेशन को, ओके पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, उसमें से हम एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो पहला, आप RN नॉइस को सेलेक्ट करके ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करो, और YouTube में वीडियोस और ऑडियोस को प्ले करो, अगर आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है RN नॉइस में, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्पीक्स। तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है -30 dB, ये लेवल पे आपको काफ़ी हद तक स्टैटिक और हिसिंग साउंड को रिमूव कर देता है ऑडियो से, और एकदम क्लियर ऑडियो आपको आएगा, हिसिंग और स्टैटिक साउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद क्लोज कर दो। तो गाइस, यहाँ पे हमको ऐड करना है माइक्रोफोन, और ये जो माइक्रोफोन है इसको इस्तेमाल करके हम यूट्यूब व्यूअर्स के साथ बात करेंगे लाइव स्ट्रीम में। तो प्लस आइकन पे क्लिक करके ऑडियो इनपुट कैप्चर, और उसे रीनेम करेंगे माइक,
ओके। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जो भी रियलटेक का डिफ़ॉल्ट ड्राइवर है माइक्रोफोन, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेवलिंग दिख जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और ये जो माइक्रोफोन का नॉइज़ को हम रिमूव करेंगे सिंपल फिल्टर्स में जाके, यहाँ पे नॉइज़ सप्रेशन और ओके। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्पीक्स, तो यहाँ पे लेवल कर दो आपके हिसाब से, जितना आप लेवल करेंगे उतना यहाँ पे नॉइस रिमूव हो सकता है और ऑडियो क्वालिटी में भी चेंज दिख सकता है। तो मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो में बता दिया था, काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पे फिल्टर्स को एक्सप्लेन किया, तो डेफिनेटली वो वीडियो देखो। गाइस यहाँ पे लैपटॉप में अगर आपको गेम का ऑडियो भेजना है तो दो तरीके हैं। पहला है ऑडियो कार्ड को लगा के आप ऑडियो भेज सकते हैं। ऑडियो में जो भी माइक्रोफोन का सिंबल रहता है वो पोर्ट में आपको ऑक्स का इनपुट देना है। तो उसके बाद आप डायरेक्टली OBS में सिंपली प्रॉपर्टीज़ में जाके नीचे जो ऑडियो सोर्स है वहाँ पे PNP ऑडियो कार्ड का रहता है, उसको सेलेक्ट करके आप ऑडियो दे सकते हैं। तो सेकंड मेथड है आपको डायरेक्टली माइक्रोफोन पोर्ट में ऑक्स इनपुट देना है। तो OBS में सिंपल प्रॉपर्टीज में जाके जो भी ऑडियो सोर्स है वहाँ पे रियलटेक का ड्राइवर, माइक्रोफोन का डिफॉल्ट ड्राइवर है, उसे सेलेक्ट करो। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि जो भी आप ऑडियो यहाँ पे ऐड करेंगे वो सब कुछ यूट्यूब में जाएगा, यूट्यूब व्यूअर्स और ऑडियंस देखेंगे, और आप जो भी ऑडियो सुनते हैं वो डायरेक्टली आपको ऑडियो कार्ड से मिलता है। तो डेफिनेटली आपको स्टीरियो आउटपुट मिलेगा और अच्छा क्वालिटी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें भी समझना जरूरी है, जब भी आप माइक्रोफोन को यूज करेंगे ऑडियो इनपुट के लिए तो लैपटॉप का डिफॉल्ट माइक यूज नहीं कर सकते, आपको एक एक्सटर्नल माइक को यूज करना पड़ेगा ऑडियो कार्ड को इस्तेमाल करके। अगर ऑडियो कार्ड को इस्तेमाल कर रहे ऑडियो इनपुट के लिए, गेम ऑडियो ऐड करने के लिए, तब आप लैपटॉप का माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे मेन पॉइंट है, काफी सारे लैपटॉप्स में ओनली सिंगल हेडफोन पोर्ट रहता है, उसके लिए आपको एक स्प्लिटर की जरूरत है। तो ये जो कॉपियर है इसके तरह एक स्प्लिटर रहेगा जिसके पोर्ट के ऊपर तीन बैंड्स रहेंगे और एक तरफ माइक्रोफोन का सिंबल रहेगा, दूसरी तरफ ऑडियो का सिंबल रहेगा। तो जो भी माइक्रोफोन का सिंबल है वहाँ पे आपको ऑक्स इनपुट देना है। तो जो भी लैपटॉप्स में सिंगल हेडफोन पोर्ट है उस तरह के लैपटॉप्स में इस तरह का सेटिंग्स और इस तरह का स्प्लिटर यूज़ करके आप ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। The blue team has scored for the first time. പോലും കൊല്ലണത് Expired. Enemy down. Nice shot. Dead. Kitna mane idle vaaya. Clear. Reloading.
No mercy! Cover me! Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is about... Blue team victory! ओके गाइस, अब हम एक्स्ट्रा तीन चीज़ों को ऐड करेंगे। तो पहला है डबल बोर्ड का ऑडियो कार्ड और दूसरा है यहाँ पे स्प्लिटर है, तो ये जो माइक्रोफोन और ऑडियो को मैच कर देगा और यहाँ पे एक हेडफोन पोर्ट क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार कनेक्शंस करके दिखा दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके गाइस, ये है सेकंड कॉम्बिनेशन का सेटअप। यहाँ पे मैंने यूएसबी ऑडियो कार्ड को लगा दिया था डबल पोर्ट का, तो यहाँ पे हम स्प्लिटर को इस्तेमाल किया। स्प्लिटर से आपको एल्गाटो चैट लिंक आ गया। तो यहाँ पे हम हेडफोन्स लगाएंगे और ऑडियो सुनेंगे और इन गेम चैट भी करेंगे माइक्रोफोन से। तो दूसरा जो भी यहाँ पे एंड है, जैसे आप देख सकते हैं ड्यूअल बैंड का, ये ऑक्स का इनपुट है, तो ये हम लगाना है पीसी या लैपटॉप की तरफ। बाकी के जो भी सेटिंग्स है ओबीएस का लैपटॉप में और पीसी में, वो सब कुछ सेम है। पहला कॉम्बिनेशन में जो भी हमने किया था वही सेटिंग्स यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। Expired. Reloading. Killing. Clear. No mercy. Cover me. और यहाँ पे थर्ड मेथड में सेम ऑडियो कार्ड का इस्तेमाल करूँगा ड्यूअल पोर्ट का। तो पहला यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोफोन का ऑडियो का पोर्ट। तो उसके बाद जो भी यहाँ पे ऑडियो का सोर्स है वहाँ पे हम ये जो कॉपियर लगाएंगे। कॉपियर लगाने के बाद यहाँ पे आपको स्प्लिटर में एक माइक्रोफोन का पोर्ट रहेगा, उसको यहाँ पे इंसर्ट करो और दूसरा जो ऑडियो का पोर्ट है यहाँ पे इंसर्ट करो। तो दूसरा यहाँ पे आपको एक ऑडियो का पोर्ट रहेगा, उसमें हम ऑक्स केबल लगाएंगे। ऑक्स केबल लगाने के बाद जो भी दूसरा एंड रहता है ऑक्स केबल, इसको हम लगाना है पीसी या लैपटॉप के तरफ। तो जो भी यहाँ पे फीमेल पोर्ट है हेडफोन पोर्ट, तो उसमें हम लगाएंगे हेडफोन्स। इसके मदद से ऑडियो सुन सकते हैं और इन गेम चैट कर सकते हैं। तो सिंपल गाइस, ये जो थर्ड कॉम्बिनेशन बहुत आसान है। यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको बजट कम हो सकता है। अगर आपको चैट लिंक में इन्वेस्ट नहीं करना हो तो आप ये कॉपियर और स्प्लिटर को ऑक्स केबल को इस्तेमाल करके इस तरह का सेटअप कर सकते हैं, अगर आप ऑडियो कार्ड इस्तेमाल किया ड्यूअल पोर्ट का। और जो भी हिसिंग साउंड और स्टैटिक साउंड है वो सबको आप हटा सकते हैं सिंपल, जैसा मैंने बताया था, फिल्टर को यूज़ करके, और आपको एक अच्छा स्टीरियो आउटपुट मिलेगा। बाकी के जो भी सेटिंग्स है ओबीएस का लैपटॉप में और पीसी में, वो सब कुछ सेम है। पहला कॉम्बिनेशन में जो भी हमने किया था वही सेटिंग्स यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। No mercy. Watch out. No mercy. Dead. Enemy down. Clear. Target down. Killings. Cover me. Okay guys, अब हम बात करेंगे कुछ इश्यूज के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हिसिंग साउंड को, स्टैटिक साउंड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आपको फिल्टर ऐड करना है, नॉइस सप्रेशन, उसमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, सेकेंड इश्यू है मल्टीपोर्ट का।
यूएसबी के साथ ऑडियो लेना और चार्जिंग करना साइमल्टेनियसली पीबॉक्स में इशू है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हार्डवेयर का इशू है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको चार्ज करना है आपके डिवाइस को तो डेफिनेटली वहाँ पे आप यूएसबी ऑडियो कार्ड को निकाल के माइक्रोफोन को ऑफ करके ओबीएस में ऑडियो सोर्स को चेंज करके तभी जाके आपको डिवाइस चार्ज हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आपका बैटरी है मोबाइल का उसके हिसाब से आप स्ट्रीम कर सकते हैं, जितना आपको बैकअप मिलता है उतना ड्यूरेशन आप स्ट्रीम कर सकते हैं इस सेटअप को लेके। तो यहाँ पे जितने भी कनेक्टर्स है ऑडियो कार्ड है वो सब कुछ आपका मोबाइल का बैटरी से पावर लेंगे और कंज्यूम करेंगे, तो डेफिनेटली आपका बैटरी का एक 20% बैकअप कम हो सकता है, क्योंकि वो 20% जा रहा है मल्टी पोर्ट्स की तरफ, यहाँ पे काफ़ी हद तक ऑडियो कार्ड पावर ले सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैटरी ड्रेन का इश्यू भी रहता है। तो जितना आपका बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा रहता है उतना ड्यूरेशन आपको मिलेगा। अगर मेरी वन प्लस 7 की बात करें तो मैं बिना यूएसबी ऑडियो कार्ड के 2.5 hours तक मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ। अगर मैंने यूएसबी ऑडियो कार्ड को इस्तेमाल किया तो मुझे कम से कम 1 hour 40 to 50 minutes तक मुझे ड्यूरेशन मिलता था, तो उसके बाद ही मुझे चार्ज करना पड़ता, तो कम से कम 2 hours तक मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ बिना कोई चार्ज के यूएसबी ऑडियो कार्ड को इस्तेमाल करते हुए। तो डेफिनेटली आपका मोबाइल कौन सा है, आपका बैटरी बैकअप कितना है, उस पर ही डिपेंड होगा ये जो मल्टीपोर्ट का इशू है। तो मैंने कुछ मल्टीपोर्ट्स को इस्तेमाल किया तो उसमें से पीबॉक्स ही क्वालिटी वाइज अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियस का इशू है। और यहाँ पे आपको स्टीरियो आउटपुट भी मिलने वाला है जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था सेटअप में। और गाइस माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था, जाके आप उसे देख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपैटिबल स्मार्टफोन्स होना जरूरी है, MHL एनेबल होना है आपके मोबाइल में स्मार्टफोन में। तो ऐसे गाइस बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, और मिलेंगे आगे चल के, काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।